नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के अपने चैनल स्टडी फॉर एग्जाम्स में। स्टैटिक जीके की जो हमारी सीरीज चल रही है उसके आज 19 पार्ट के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। 20 क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किए जाते हैं और ये वो क्वेश्चन होते हैं जो कई बार एग्जाम में आपको देखने को मिलते हैं, और ये कह सकते हैं कि बार बार देखने को मिलते हैं। पेड कोर्सेज के लिए या UPPSC, MPPSC, BPSC, प्री मेंस के बैच के लिए कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो 8564880530 पे कांटेक्ट कर सकते हैं। फ्री स्टडी मटेरियल के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, नंबर है 7838969 2618। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, द पर्सन हु हैज क्लाइम्ड माउंट एवरेस्ट द मोस्ट 17 टाइम्स इज, ये अप्पा शेरपा। वह व्यक्ति जिसने माउंट एवरेस्ट पर सबसे अधिक बार चढ़ाई की, 17 बार चढ़े हैं, ये अप्पा शेरपा जी, ऑप्शन नंबर बी। फिर नेक्स्ट है, विच इंडियन स्टेट हैज़ इट्स मैक्सिमम एरिया अंडर द फॉरेस्ट कवर, तो कौन सा है भैया, ये है सी, ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा, अरुणाचल प्रदेश। किस भारतीय राज्य में वन क्षेत्र के अंतर्गत अपना अधिकतम क्षेत्र है, अरुणाचल प्रदेश का, ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा आपका। फिर नेक्स्ट है, हु वॉज द पर्सन बिहाइंड द कुका मूवमेंट, किसने शुरू किया था, तो ये थे गुरु राम सिंह, ऑप्शन नंबर सी इसमें भी है। कुका आंदोलन की शुरुआत किसने की थी, गुरु राम सिंह ने की थी। फिर नेक्स्ट है कि इन द 552 लोकसभा हाउ मैनी मेंबर्स आर देयर फ्रॉम द यूनियन टेरिटरीज, तो कितने होते हैं भैया, तो होते हैं ये आपके 20, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर होगा। 552 लोकसभा में सीटों में केंद्र शासित प्रदेशों से कितने सदस्य होते हैं, ये होते हैं 20 होते हैं, ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा आपका। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनालिटीज गेव द लॉ ऑफ हेरिडिटी, तो किसने दिया था भैया, ये ऑप्शन नंबर बी आपका, ग्रेगर जॉन मेंडल ने। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने अनुवांशिकता का सिद्धांत दिया था, ग्रेगर जॉन मेंडल ने, ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा आपका। नेक्स्ट है, नेम द पर्सन हु वॉज ऑल्सो नोन एज देशबंधु, सब लोग जानते हैं चित्तरंजन दास थे, उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसे देश बंधु के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन नंबर सी आंसर है। फिर है, गीत गोविंद इज ए फेमस क्रिएशन ऑफ, गीत गोविंद किसका फेमस क्रिएशन है, तो ये है आपका जयदेव का, ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा, गीत गोविंद जयदेव का की प्रसिद्ध रचना है। फिर नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द मेन ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट, तो कौन सा नहीं मेन ऑर्गन गवर्नमेंट का, तो ये ऑप्शन नंबर बी, मतलब फीचर नहीं है, ब्यूरोक्रेसी, लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव है, जुडिशियरी है। भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सरकार का मुख्य अंगों में से एक नहीं, नौकरशाही नहीं है, ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा। फिर है, विच ऑफ द फॉलोइंग डील्स विद इकोनॉमिक ऑफेंसेस, आर्थिक अपराधों से संबंधित से कौन निपटता है इन सारे इंस्टीट्यूशन में से, तो इसमें आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ये COFEPOSA, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्टिविटीज, इसका फुल फॉर्म ये है, इसे रट लीजिएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर होगा। फिर है, इन इंडिया इन्फ्लेशन इज मेजर्ड बाय, तो इसमें आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नेशनल इनकम डिफ्लेशन, भारत में मुद्रा स्फीति को मापा जाता है राष्ट्रीय आय स्फीति से। फिर है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम मीट्स द क्रेडिट नीड्स ऑफ पुअर वुमेन, तो इसमें आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रीय महिला कोष। निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम गरीब महिलाओं की जरूरतों को पूरा करता है, राष्ट्रीय महिला कोष ये कार्यक्रम गरीब महिलाओं की जरूरतों को पूरा करता है। फिर नेक्स्ट, नेशनल इनकम इज द, नेशनल इनकम क्या होती है भैया, ऑप्शन नंबर सी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, राष्ट्रीय आय है बाजार मूल्य पर शुद्ध घरेलू उत्पाद। फिर नेक्स्ट है, विच इज द लार्जेस्ट कॉमर्शियल बैंक इन इंडिया, कॉमर्शियल बैंक कौन सी लार्जेस्ट इंडिया में, तो ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा। भारत का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक कौन सा है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय स्टेट बैंक, ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा। फिर नेक्स्ट, बैंक ऑफ हिंदुस्तान इज़ द ओल्डेस्ट बैंक इन इंडिया, व्हेन डिड इट स्टार्ट फंक्शनिंग, तो इसने स्टार्ट काम करना स्टार्ट किया था 1770 से। बैंक ऑफ हिंदुस्तान भारत का सबसे पुराना बैंक है, इसने कब काम करना शुरू किया, 1770 से। फिर नेक्स्ट है आपका, द बैंक ऑफ कैलकटा, बैंक ऑफ बॉम्बे
एंड बैंक ऑफ मद्रास वर मर्ज इन 1921 टू फॉर्म, इनको मिला के कौन सी बैंक बनी थी? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर होगा। 1921 में बैंक ऑफ कलकत्ता, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास को मिला दिया गया था किसकी स्थापना के लिए? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इन विच ईयर डिड द कैबिनेट मिशन अराइव इन इंडिया? तो सबको पता है भैया 1946, नहीं पता तो जान लो ऑप्शन नंबर डी। भारत में कैबिनेट मिशन कब आया था? 1946 में आया था। तो नेक्स्ट है पंचायती राज कम्स अंडर, पंचायती राज किसके किस लिस्ट के अंतर्गत आता है? तो ये आता है स्टेट लिस्ट के अंडर में आता है, पंचायती राज राज्य सूची के अंतर्गत आता है। फिर नेक्स्ट है विच ऑफ द अमेंडमेंट ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशन वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिलीटिंग द राइट टू प्रॉपर्टी फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट? कौन सा अमेंडमेंट है? यह 44th अमेंडमेंट। ठीक है, निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा संविधान संशोधन मौलिक अधिकारों की सूची से संपत्ति के अधिकार को हटाने के लिए जिम्मेदार था? 44वां संविधान संशोधन। तो नेक्स्ट है हर्ष चरित्र एंड कादंबरी आर द वर्क ऑफ, ये किसके रचनाएं हैं? ये दोनों ये कार्य हैं, रचना ही बोलेंगे कि रचना होगा यहाँ पे। तो ये है आपका ऑप्शन नंबर ए, सॉरी सी, बाणभट्ट ने इनकी रचनाएं की थी, हर्षचरित्र और कादंबरी की। फिर नेक्स्ट परणी वॉज, परणी कौन थे? ऑप्शन नंबर होगा इसका, इसमें आपका ऑप्शन नंबर है सी, अ संस्कृत ग्रामेरियन ऑफ वैदिक टाइम्स। परणी था या थी वैदिक काल का एक संस्कृत व्याकरण। तो भैया अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग मी।